नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन चैनल पर। और यदि दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और इसके साथ में इस घंटी के आइकन को आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो आए HSSC ग्रुप डी भर्ती से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए और आप सबसे पहले उस न्यूज़ को देख पाएँ। तो इसलिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, ग्रुप डी भर्ती में कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है? ग्रुप डी भर्ती के लिए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो हमने बना दिया था हमारे चैनल पे और उसका लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर कट ऑफ देख सकते हैं और आपकी जो फाइनल कट ऑफ आने वाली है वह लगभग यही रहेगी जो हमने आपको बता दी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसकी आंसर की को लेकर कि इसकी आंसर की कब आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट है और दैनिक भास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दिया हुआ है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट लेते रहें क्योंकि आंसर की कभी भी जारी की जा सकती हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपकी जो आंसर की है किसी भी समय जारी की जा सकती हैं। तो कल आपका संडे है तो सोमवार को आपकी आंसर की यहाँ पे ज़रूर जारी हो जाएंगी। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट है ये भास्कर.com और यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कभी भी आपकी आंसर की जारी की जा सकती हैं। तो आज आपकी आंसर की जारी नहीं हुई है और कल का अवकाश है तो जाहिर सी बात है सोमवार को शाम तक आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि HSSC ग्रुप डी का रिजल्ट आपके कब तक आएगा। रिजल्ट के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये द इंडियन एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पोस्ट किया है कि 18,218 पदों के लिए जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उसमें 18 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और जिसमें से लगभग 11.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी 10वीं पास थी और द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड इन फरवरी 2019। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट फरवरी 2019 में आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी और फिर दिसंबर के सेकंड वीक में आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी और फरवरी 2019 में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।